हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 18 की शुरुआत में कॉलेज के फर्स्ट ईयर का टाइम दिखाया जाता है। शनचिंग के डैड इसको एक कार्ड भेजते हैं। शनचिंग अब इस कार्ड को पढ़ने लगते हैं। इसके डैड ने ये लिखा होता है कि मैंने और मैडम फांग ने डिसाइड किया है कि हम दोनों 6 नवंबर को शादी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि तुम हमारी खुशी में खुश होगी। डैड शनचिंग से कहते हैं कि तुम हमेशा मेरी प्यारी बेटी रहोगी। ये कार्ड पढ़कर शनचिंग रोने लगती है। इसके साथ ही इसको लुशिंगेन की वीडियो कॉल आ जाती है। ये दोनों वीडियो कॉल पर अपनी डेली रूटीन की बात कर रहे होते हैं। लुशिंगेन शनचिंग से कहता है कि क्या तुम्हारे टेबल पर वेडिंग इनविटेशन पड़ा हुआ है। शनचिंग कहती है कि हाँ, लेकिन मैं इस शादी में जाना नहीं चाहती। लुशिंगेन कहता है कि तुम क्यों नहीं जाना चाहती। तो शनचिंग कहती है कि कोई खास वजह नहीं है, मैं बस जाना नहीं चाहती। कॉल बंद करते ही शनचिंग ये कार्ड डस्टबिन में फेंक देती है। लुशिंगेन अब शनचिंग को उसके घर पर लेकर आता है। लुशिंगेन शनचिंग से कहता है कि हमारा स्टमक एक इमोशनल ऑर्गन भी है, इसलिए अगर तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगी तो तुम्हारा मूड भी बेहतर हो जाएगा। ये शनचिंग से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ, जब तुम्हारा दिल चाहेगा तो तुम खा लेना, तुम कुछ देर आराम कर लो। ये केक के लुशिंगेन किचन में चला जाता है। अब शनचिंग अपने डैड के भेजे हुए मैसेजेस को पढ़ने लगती है, जिसका इसने कभी भी जवाब नहीं दिया होता। अब शनचिंग किचन में लुशिंगेन के पास आती है। लुशिंगेन शनचिंग को हक करता है तो शनचिंग रोने लगती है। शनचिंग जब मॉन्टन्स खा रही होती तो लुशिंगेन की नज़र इस पेंटिंग पर पड़ते कहता है कि यकीनन ये पेंटिंग तुम्हारे बचपन की होगी। तो शनचिंग कहती कि जब मैं तुम्हारे घर पर आई थी तब मेरे डैड ने चुपके से ये पेंटिंग मेरे बैग में रख दी थी। ये सुनकर लुशिंगेन कहता है कि तुम्हारे डैड की ड्राइंग बहुत अच्छी है, वो यकीनन तुमसे बहुत प्यार करते होंगे। लुशिंगेन शनचिंग से कहता है कि इतने सालों बाद मैं पहली बार तुम्हें अपने डैड के बारे में बात करते हुए सुन रहा हूँ। शनचिंग कहती है कि मेरा और मेरे डैड का रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। लुशिंगेन उससे पूछता है कि आखिर माजी में क्या हुआ था, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो। शनचिंग कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरी फैमिली बहुत खुश थी। मेरे डैड एक फेमस आर्टिस्ट थे, इसी वजह से हम काफी अमीर थे। मेरी मॉम एक फेमस पियानिस्ट थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने कभी भी पियानो नहीं बजाया। अब शनचिंग अपने बचपन में अपने डैड को अपनी बनाई हुई ड्रॉइंग दिखाती है। जब इसके डैड इसकी ड्रॉइंग देख रहे होते हैं तो शनचिंग कहती है कि डैड, मेरी ड्रॉइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छी ड्रॉइंग बनाई है। शनचिंग कहती है कि मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है। तो डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम अपनी मॉम को जाकर ये पेंटिंग दिखा सकती हो। अब शनचिंग अपनी ड्रॉइंग अपनी मॉम को दिखाने के लिए आ रही होगी तो उसकी मॉम कहती है कि मेरे पास मत आओ, मेरे हाथ गंदे हैं। शनचिंग कहती है कि जब मेरी मॉम की डेथ हुई तो मुझे यूँ लगा करता था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मेरे डैड को मेरी मॉम की डेथ से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। शनचिंग कहती है कि मैं अपने डैड का अपनी हेड टीचर के साथ रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। शनचिंग जब अपने डैड को अपनी मॉम के फ्यूनरल पर अपनी हेड टीचर मिस फांग के साथ देखती है तो ये बहुत शॉक हो जाती है। शनचिंग कहती है कि उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी चली गई। मेरे डैड ने मुझे कई बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं उनसे कोई भी रब्ता नहीं रखना चाहती थी। वो मुझे मैसेजेस करते थे लेकिन मैंने कभी भी उनके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। एक बार शनचिंग के डैड इसे इसकी पार्ट टाइम जॉब पर मिलने के लिए आते हैं। शनचिंग अपने डैड से पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। डैड कहते हैं कि यहाँ पर मेरी एक आर्ट एग्जीबिशन थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे भी मिल लूं। अब डैड शनचिंग से कहते हैं कि तुम मेरे दिए हुए पैसे इस्तेमाल क्यों नहीं करती। शनचिंग कहती है कि डैड, मैं खुद पैसे कमा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा भी था कि मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। डैड शनचिंग से कहते हैं कि इतने साल गुजर गए हैं, क्या मुझे मूव ऑन नहीं कर लेना चाहिए था। ये शनचिंग से कहते हैं कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझसे नफरत मत करो। शनचिंग लुशिंगेन से कहती है कि अगर मुझे मालूम होता कि मैं अपने डैड से आखिरी बार मिल रही हूँ तो मैं कभी भी अपने डैड को इतनी हार्श बातें ना कहती। शनचिंग कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे डैड शायद मुझसे नफरत करते थे। लुशिंगेन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। शनचिंग कहती है कि अगर वो मुझसे नफरत ना करते होते तो फिर उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो बीमार थे। लेकिन मुझे गिल्टी महसूस हो रही है कि मैं अपने डैड को सही से गुड बाय भी नहीं कह पाई। शनचिंग लुशिंगेन से कहती है कि ये मेरा पछतावा है। लुशिंगेन कहता है कि शायद मिस्टर शन एक अच्छे हस्बैंड और डैड नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि एडल्ट होने की हैसियत से उनके पास अपनी जिंदगी को चुनने का हक था। लुशिंगेन कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। लुशिंगेन कहता है कि तुम्हारे डैड ने अपनी डेथ से पहले ये रिक्वेस्ट की थी कि वो चाहते हैं कि उनकी फेयरवेल सेरेमनी की स्पीकर तुम बनो। आज फ्यूनरल पर लुशिंगेन थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा होता है और ये शनचिंग से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शनचिंग कहती है कि तुम्हें क्या कहना है। लुशिंगेन शनचिंग से कहता है कि अगर तुम्हारे डैड अभी भी जिंदा होते तो क्या तुम ये सब करने के लिए तैयार होती। शनचिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कम्फर्ट करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मरे हुए लोग दोबारा वापस नहीं आते। अब शनचिंग को स्पीच देने के लिए
भी बुला लिया जाता है। शनचिंग कहती है कि आज मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ जो मैं पहले नहीं कर पाई। ये सबसे कहती है कि मेरा अपने डैड से रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं था, बहुत सालों से हम दोनों की मुलाकात नहीं हुई। एक बार मुझे मेरे डैड ने कहा था कि मैं उनकी बेटी हूँ और मैं ये फैक्ट चेंज नहीं कर सकती। उस वक्त मैं इस बात पर गुस्सा हो गई थी, लेकिन आज मुझे इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया है। शनचिंग कहती है कि माजी में जो कुछ हुआ था मैंने उसको भुला दिया है, अब मैं यही उम्मीद करती हूँ कि वो जहाँ भी हैं सुकून से रहें। इतने में शनचिंग के डैड यहाँ पर आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी स्पीच बहुत अच्छी थी। शनचिंग के डैड यहाँ पर आकर सबसे कहते हैं कि मैंने ये सेरेमनी मिला बजाय अरेंज नहीं करवाई। असल में मुझे हमेशा से एक क्यूरियोसिटी थी कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो लोगों के मेरे बारे में क्या कमेंट्स होंगे। ये शनचिंग से कहते हैं कि उम्र के आखिरी हिस्से में शनचिंग ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। शनचिंग के डैड शनचिंग को थैंक्स बोलते हैं। डैड कहते हैं कि मैं इस रिजॉर्ट के ऑनर को भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। डैड कहते हैं कि सारी सेरेमनी अरेंज करने में लुशिंगयन ने मेरी मदद की है। ये सब सुनकर शनचिंग गुस्से में जाने लगती है। लुशिंगयन इसको रोकने की कोशिश करता है तो शनचिंग कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ पहले से मालूम था। लुशिंगयन कहता है कि मैं तुम्हें भी बताने वाला था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। शनचिंग गुस्से में लुशिंगयन से कहती है कि मेरा पीछा मत करना। शनचिंग के डैड कहते हैं कि तुम तो मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना। शनचिंग कहती है कि मुझे जो भी कहना था वो मैं स्टेज पर कह चुकी हूँ। डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरा तरीका गलत है लेकिन मैं इतने साल तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा हूँ। इतने में यहाँ पर मिस वांग आ जाती हैं और कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। शनचिंग के डैड कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मिस वांग कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, क्या मुझे तुम्हारे फनुअल पर नहीं आना चाहिए था। डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि अब हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं रहा। मिस वांग कहती है कि तुम बीमार थे तुम्हारी टेक केयर करने के लिए, मैंने अपनी जॉब तक छोड़ दी और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मिस वांग कहती है कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो, तुमने मुझसे कहा कि तुम इलाज के लिए बाहर जा रहे हो और 6 महीनों के अंदर ही तुमने अपने लिए किसी और को ढूंढ लिया है। शनचिंग के डैड की गर्लफ्रेंड भी यहीं पर होती है। ये सब देखकर शनचिंग बहुत गुस्सा हो गई होती इसलिए कि यहाँ से जा रही होती है। इसके डैड की गर्लफ्रेंड के हाथ से गलती से माइक छूट जाता है और ये माइक शनचिंग को लग जाता है। अब शनचिंग को जब होश आता है तो लुशिंगयन कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। शनचिंग कहती है कि तुम्हें कब मालूम हुआ कि मेरे डैड जिंदा है। लुशिंगयन कहता है कि आज सुबह। लुशिंगयन शनचिंग के डैड से कहता है कि मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, मैं शनचिंग से झूठ नहीं बोलूंगा। डैड कहते हैं कि मेरी सेहत खराब से खराब होती जा रही है, मुझे नहीं मालूम कि मेरे पास कितना वक्त रह गया है, इसलिए मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। शनचिंग कहती है कि तुमने सब कुछ जानते हुए भी मुझे धोखा दिया। लुशिंगयन कहता है कि तुमने कल रात मुझे जो कुछ भी कहा था वो सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है अपने डैड से बात करने का। शनचिंग कहती है लेकिन तुमने मेरे लिए ये फैसला क्यों लिया। लुशिंगयन कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो लेकिन मुझे लगता है कि अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को टॉर्चर करने से बेहतर है कि वो लोग सेपरेट हो जाएं। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें सिर्फ इस वजह से अपने डैड से नफरत नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने तुम्हारी मॉम से प्यार करना छोड़ दिया था। शनचिंग ये सुनकर गुस्सा कर रही होती तो लुशिंगयन कहता है कि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो। शनचिंग कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मेरी मॉम की डेथ की वजह बीमारी नहीं थी बल्कि उन्हें मारा गया था और मेरी मॉम को और किसी ने नहीं बल्कि मेरे डैड ने मारा था। ये सुनकर लुशिंगयन शॉक हो जाता है। शनचिंग कहती है कि मेरे डैड कातिल हैं। इसी मोमेंट पर एपिसोड 18 खत्म हो जाती है।